नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, अगर आप किसी को भी अपने वश में करना चाहते हैं तो आज मैं आपको इतना आसान व सरल उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आप किसी को भी अपने वश में बहुत ही आसानी और सरलता से कर सकते हैं। फिर चाहे वो आपका दोस्त हो, प्रेमी हो या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसे आप बेहद और बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। परंतु ये विधि करने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक बार बता दूं, ये वशीकरण इतना शक्तिशाली है कि इसे बाद में उतारा नहीं जा सकता। तो इस उपाय को सोच समझकर ही कीजिएगा। परंतु आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि आपने ये उपाय किसी को भी बुरा करने के लिए नहीं करना है। इसका उपाय सिर्फ और सिर्फ आप अपनी सच्ची मोहब्बत को पाने के लिए ही कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आज के उपाय को कैसे करना है। तो दोस्तों, आज की विधि करने के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि यदि आप किसी महिला या पुरुष से प्रेम करते हैं या फिर कोई महिला आपसे नाराज है या फिर कोई महिला आपके पति को अपने वश में करना चाहती है तो आप यह तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं ये तरीका है क्या। आप इस प्रयोग को घर के अंदर भी कर सकते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए आपने सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। आपको एक लाल पैन की आवश्यकता होगी, तो आपने सबसे पहले आसन लगाकर उस पर बैठ जाना है। और एक बात को खास ध्यान रखना है कि आपके शरीर का कोई भी हिस्सा जमीन को न छूने पाए। तो आसन पर बैठने के बाद आपने अपने दाएं हाथ के ऊपर लाल पेन से उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। उसका नाम लिखने के बाद मुट्ठी को कसकर बंद कर लेना है इस तरह से, और फिर एक मंत्र का जाप करना है। जैसे अगर आपका नाम रमन है और आप एंजल का वशीकरण करना चाहते हैं तो आपके लिए मंत्र है ओम वशीकरण गुरु गुरु स्वाहा। इस मंत्र को 7 बार उच्चारण करने के बाद आपने अपनी मुट्ठी खोलकर फूंक मारनी है और सिर्फ 3 घंटे के अंदर वो व्यक्ति जिसे आप अपना सच्चा प्यार मानते हो वो आपके वश में हो जाएगा और आपकी सारी बात मानने लग जाएगा। और ये विधि करते वक्त आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि यह विधि करते वक्त आपको कोई देख ना सके। जैसे ही ये विधि आप करेंगे वो इंसान आपकी सारी बात मानने लग जाएगा और आपसे बेइंतहा मोहब्बत करेगा। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में नाम का बहुत महत्व होता है। तो आप भी अपने प्रेमी या प्रेमिका को उसके नाम का प्रयोग करके अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा हो और वो आपके वश में हो जाए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके गुरु माता जी से अपने नाम के अनुसार, अपनी राशि के अनुसार अपना मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मंत्र सबके लिए अलग अलग होता है। एक ही मंत्र सब नहीं कर सकते। हर किसी के लिए उसके नाम व उसकी राशि के अनुसार मंत्र अलग अलग होता है और वो मंत्र सिद्ध भी किया जाता है। तो दोस्तों, आप भी अपने अनुसार मंत्र ले सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके हमें अपनी सभी समस्याओं का समाधान भी करवा सकते हैं। तो देर ना करें, जल्दी ही हमें कॉल करें या व्हाट्सएप करें। जय माता दी।